आप में से बहुत सारा भाई ने ये कमेंट करते हैं कि हम ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं लेकिन उसके अंदर जो पोस्ट लिखते हैं वो इंडेक्स नहीं होते हैं। तो उसका बहुत सारा वजह होते हैं, बहुत सारा रीजंस होते हैं। आप लोगों में से कुछ भाई तो ये बता देते हैं कि हमारे पेज में पेज विथ रीडायरेक्ट, ब्लॉग बाय robots.txt, अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग, रीडायरेक्ट एरर, क्राउड करेंटली नॉट इंडेक्स, ऐसे बहुत सारा इशू आते हैं। हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था डुप्लीकेट विदाउट यूजर्स सिलेक्टेड कैनोनिकल, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हमने बताया था और अभी प्रूफ आपके सामने है। देखिए जीरो एरर है, यानी इसको हमने सही तरीके से फिक्स कर लिया था। उसके बाद डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स, ये भी पूरी तरीके से फिक्स हो चुके हैं। ये दोनों वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। आज की टॉपिक है क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स। देखिए 9 URL है, यानी 9 पेजेस है इसके अंदर, इफेक्टेड 9 पेजेस है। इन पेजों के ऊपर बात करेंगे, ये कैसे फिक्स होगा वो भी बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं एकदम शुरू से लेकर बिना स्किप किए लास्ट तक, तो मैं आपको ये कह सकता हूं ये जो प्रॉब्लम है ये दोबारा आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे, आपके पेज इंडेक्स होंगे। भाई अगर पेज इंडेक्स नहीं होंगे तो आपके पास ट्रैफिक कहां से आएंगे? गूगल से अगर आप ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए तो गूगल के ऊपर आपके पेज को दिखाना जरूरी है। अगर गूगल के ऊपर आपके पेज नहीं दिखाएंगे, यानी आपके पेज अगर इंडेक्स नहीं होंगे तो ट्रैफिक कहां से मिलेंगे? ट्रैफिक नहीं मिलेंगे तो इनकम नहीं होंगे, एडसेंस अप्रूवल नहीं देंगे, ये बहुत सारा बात है। अब जितने भी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो मेरा 8 साल का यूट्यूब और ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस को इकट्ठे करके मैं यहां पर जितने भी चीज आपको बताता हूं एज इट इज बताता हूं। मेक श्योर गाइस ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहां पे आपको ऑनलाइन से पैसे कमाने की अर्न मनी ऑनलाइन नए प्लेलिस्ट ऐड हो चुके हैं, मोटिवेशन करके प्लेलिस्ट है, एडसेंस सेटअप सॉल्यूशन है, ब्लॉगर के टेम्पलेट है, ब्लॉगर सर्च कंसोल के ऐसे एरर के बारे में हम बात करते हैं, ए टू जेड फ्री में वेबसाइट मेकिंग और भी बहुत सारा वीडियो है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो है। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये चैनल एक तोहफा हो सकते हैं, क्योंकि हमने 8 साल के जर्नी पूरी तरीके से यहां पे बताते हैं। हां मैं मानता हूं कभी कभार हम पूरा नॉलेज आपको नहीं दे पाते हैं, जितना भी है भाई एक चीज के ऊपर नॉलेज लेने की कोई कमी नहीं होते हैं। इसी वजह से जितना भी हमने सीखे हमने देखे वो ही बताते हैं। सपोर्ट करना हमें, मोटिव करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए भाई सबसे पहले यहाँ पर छुपा हुआ है आपका जो प्रॉब्लम है इसके बारे में जो बात गूगल ने कहे है वो यहाँ पर छुपा हुआ है, क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स। अब पहले आपको ये समझना है क्राउड यानी क्राउड हो चुके हैं, गूगल आपके पेज को देख चुके हैं लेकिन उसको अभी फिलहाल अभी इंडेक्स नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पेज को गूगल जो है वो इंडेक्स नहीं करेंगे। गूगल ये बता रहे हैं हमने आपके पेज को देखा है लेकिन आपके पेज हमारे गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करते हैं, इसी वजह से हम उसको फिलहाल इंडेक्स नहीं कर रहे लेकिन इन फ्यूचर कर सकते हैं। अब इन फ्यूचर कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेंगे कि भाई हमारे पेज के ऊपर आखिर एरर कैसा है, क्योंकि क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स्ड इसका वजह बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए यहां पर जितने भी URL बने हैं इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आप लोग पूरी तरीके से समझ जाओगे। अब आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, बिना बात किए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। यहां पर देखिए एक URL को हम यहां से कॉपी करेंगे, उससे पहले एक URL को यहां से व्यू करते हैं। जैसे ही URL आपके सामने ओपन होते हैं, क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स का एक वजह होता है कि भाई आपके थिन कंटेंट है या फिर आपके कंटेंट के अंदर कमी है, मतलब आपने टेक्स्ट उतना अच्छे तरीके से नहीं डाले हैं, और भी और एक प्रॉब्लम होते हैं आपने टाइटल कुछ और दे रखे हैं और आपके कंटेंट के अंदर कुछ और रिलेटेड बात चल रहे हैं। मतलब हमने यहां पे बताया है बेस्ट फ्री एंटीवायरस फॉर एंड्रॉइड मोबाइल लेकिन अंदर बात कर रहा है पीसी के लिए कौन सा एंटीवायरस बेहतर है, एंड्रॉइड फोन को आप स्पीड अप कैसे करोगे, एंड्रॉइड फोन को बूस्ट कैसे करोगे, इन सारे चीजों के अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, इस केस पर गूगल आपके पेज को इंडेक्स नहीं करेंगे। अब और एक रीजन हो सकते हैं, अगर आपके मोबाइल फ्रेंडली थीम नहीं है, यूजर फ्रेंडली थीम नहीं है, तो उस केस पर भी आपको ऐसे एरर दिखने के लिए मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी रीजन ज्यादातर केस में लोगों को जो आते हैं वो मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूं, वो ये है आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आप यहां पर देखिए, अगर टेक्स्ट की बात किया जाए काफी मतलब अच्छा खासा टेक्स्ट है इसके अंदर, काफी डिटेल में मैंने बात किया और एंटीवायरस के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं बताया, मतलब एंटीवायरस के अलावा कुछ भी बात यहां पर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद गूगल ये बता रहा है कि भाई ये इंडेक्स होने के लायक नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं सबसे पहले ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, आपको दोबारा कोई डाउट नहीं रहेंगे, आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो आपके नजरे में मतलब आपके हिसाब से वो थिन कंटेंट नहीं है, आपको लग रहा है ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, आप अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो कंटेंट के अंदर, पूरा बेस्ट तरीके से उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो, एक एक पॉइंट कर रहे हो, काफी कमाल के पॉइंट है जो लोगों के क्वारी से वही डाल रहे हो एकदम अच्छे तरीके से, ग्रामर ठीक ठाक है, स्पेलिंग ठीक ठाक है, सारी चीज आपका ठीक ठाक है, मतलब आपको लग रहा है मेरा कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, लेकिन उसके बावजूद गूगल बता रहा है कि भाई ये लायक नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आपको चेक करने के लिए आपके पोस्ट का URL को कॉपी करने पड़ेंगे, और दूसरी चीज आपने जो आर्टिकल लिखे हैं सारे आर्टिकल के जितने भी टेक्स्ट है ये टेक्स्ट आपको कॉपी करने पड़ेंगे। टेक्स्ट कॉपी करने के बाद आपको गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है प्लेगरिज्म चेकर, एंड आपके सामने यहां पर बहुत सारा
वेबसाइट आ जाएंगे। तो यहाँ पर पेड टूल भी आते हैं, जैसे कि ग्रामरली हो गए, ये काफी अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं, लेकिन वो पेड है। अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो ये डुप्लीकेट चेकर करके एक आते हैं, ये भी काफी कमाल के हैं। हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं और यहाँ पर मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ इसी वजह से बता रहा हूँ। ये खुद भी ग्रामरली के एड चलाते हैं, ग्रामरली वन ऑफ द बेस्ट है। अब नीचे आपको आना है, यहाँ पे आप जितने भी टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे डालना है। अगर आपके टेक्स्ट नहीं है, यूआरएल को कॉपी किया था, तो यहाँ पे आपको एंटर यूआरएल, यहाँ पे आपका यूआरएल डालना है। अब यूआरएल हमने दे दिया, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड चेक प्लैगरिज्म यहाँ पर लिखा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे टैप कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने लोडिंग हो जाएंगे एंड लोडिंग जैसे कंप्लीट हो जाएंगे आपके सामने एक्चुअल डेटा आ जाएंगे, आखिरकार आपके पोस्ट क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा है, यहाँ से आप एक एक्चुअल नॉलेज ले सकते हैं। अब हमारे केस में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे कि आप लोग अगर हमारे रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट अगर आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रिजल्ट जैसे आते हैं। देखिए यहाँ पर 71% यूनिक कंटेंट है, मतलब हमने जितने भी आर्टिकल यहाँ पे लिखे हैं इसके अंदर 71% यूनिक है, लेकिन 29% ये जो कंटेंट है ये दूसरे किसी के कंटेंट से मैच कर रहे हैं। अब कहाँ पे मैच कर रहे हैं वो भी ये साइट आपको बता देते हैं। ये लाल जो है यहाँ पर ये मैच कर रहा है, यह लाल लाल जो जगह है यहाँ पर मैच कर रहे हैं। अब कहाँ पर मैच कर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखा देते हैं, साइड में आपको यहाँ पर यूआरएल दिखा देते हैं, इस साइट पे, इस साइट पे, इस साइट पे, इस साइट पे, ये चारों साइट के अंदर मैच कर रहे हैं और ये चारों साइट गूगल के अंदर पहले से इंडेक्स्ड है। अब देखिए हमारे केस में ये क्या हुआ, हमने ये जो आर्टिकल है खुद से लिखा था, पूरी तरीके से खुद से, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर ये इनसे मैच कर गए। तो आपको ये समझना है एक एक दिन में कितने पोस्ट गूगल के ऊपर पब्लिश होते हैं, कितने ब्लॉगर है दुनिया में, कितना है वो सारे लोगों के अंदर। कुछ लोग हो सकते हैं आपके टॉपिक के ऊपर कोई भी बात कर रहे हैं तो उनसे मिल सकते हैं कोई भी लाइन मिल सकते हैं, ये एक नेचुरल चीज है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको ना ये जगह को चेंज कर देना है, यहाँ पर ये जो आपने सेंटेंस लिखे हैं इसको पूरी तरीके से बदलना है। इसको बदलने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे चेक कर लेना है, जैसे ही चेक करेंगे यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं आएंगे, आपके सामने 100% यूनिक कंटेंट होगा एंड जैसे 100% यूनिक कंटेंट होगा तो आपके ये पहला वाला यूआरएल का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब एक एक करके आपको यूआरएल को चेक कर लेना है ताकि आपको पता चले कौन से यूआरएल के ऊपर आपको कितना काम करना है, कितना चेंजेस करना है। मतलब मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बता देता हूँ, मेरे इस बात को आप लोग ध्यान से समझना, अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो आपके ये इंडेक्सिंग का इशू लगभग 50% खत्म हो जाएंगे। मानो आज आपका किसी भी शादी में इन्विटेशन है लेकिन आप वहां पे गए हैं तो आपके पास पहले राइस दी गई है, अब आप बैठे हैं वहां पे, राइस के बाद कुछ और आएंगे लेकिन उसके बाद फिर से राइस लेकर आ गए, तो आपने फिर से राइस ले लिया लेकिन उसके बाद फिर से राइस लेके आ गए, उसके बाद फिर से राइस लेके आ गए लेकिन अलग वैरायटी का राइस है, तो आप क्या वहां से उठकर चले आएंगे या फिर वहां बैठे बैठे राइस ही खाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, गूगल के अंदर अगर आप पोस्ट डालते हैं एक टॉपिक के ऊपर, अगर कोई अच्छे से पोस्ट डाल दिए उसके बाद और एक बंदे ने डाल दिए, उसके बाद बनो चलो और एक बंदे ने डाल दिए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डालते जाएंगे तो गूगल बार बार राइस लेके क्या करेंगे, उसको अलग अलग वैरायटी चाहिए। और ये आप अपने अंदर से ही सोचना कि राइस के बाद अगर आपके पास कोई चिकन आ जाए, मटन आ जाए तो आप खुश हो जाओगे, मतलब आपको अच्छे लगेंगे खाने में। वहीं पर अगर आपको हाफ बॉयल करके कोई सब्जी दी जाए तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलग फील होंगे, अलग इरिटेट लगेंगे। तो गूगल के मामले में ऐसा ही चीज है, गूगल के अंदर अगर कोई अच्छा खासा कंटेंट देते हैं यूनिक, जो पहले नहीं है इंटरनेट के ऊपर, वैसा कंटेंट अगर हाई क्वालिटी वाला कंटेंट देते हैं, हाई क्वालिटी का मतलब ये है मटन दे दिए, चिकन दे दिए, ऐसे कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंडेक्सिंग को लेकर कोई भी इशू नहीं आएंगे। अब देखिए ये सच्चाई है, अब उसके बाद और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि अगर ये तो पोस्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए कमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम इसको व्यू करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको व्यू करते हैं एंड यहाँ पे देखिए हमारे सामने कोई टेक्स्ट आ रहा है, ऐसे करके एक HTML कोड आ रहा है, तो इसको गूगल इंडेक्स करके किसको दिखाएंगे, कौन ऐसा यूजर होगा जो ये टेक्स्ट पढ़ने चाहेंगे, तो इसी वजह से गूगल इसको इंडेक्स करने में मना करते हैं कि भाई इसको इंडेक्स करके हम किसको दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना है एंड सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो robot.txt फाइल है, मतलब गूगल के जो बॉट है, उसको आप मना कर सकते हो कि भाई हमारे जो कमेंट है उसको आप इंडेक्स मत करो। तो वो करने के लिए आपको ऐसे डिसअलाउ करके उसके बाद यहाँ पर कॉलम लगा के स्लैश देके यहाँ पे कमेंट्स डाल देना है। तो नेक्स्ट टाइम जब गूगल के बॉट आपके साइट के ऊपर आएंगे तो उस टाइम पे ना गूगल के बॉट को पता लग जाएंगे कि भाई इस साइट के अंदर कमेंट्स को हमें इंडेक्स करने के लिए उसको क्राउल नहीं करना है। उसी तरीके से अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि फीड हो गए, पोस्ट हो गए, इसको अगर आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत लंबा चौड़ा या HTML कोडिंग है, तो इसको गूगल क्यों इंडेक्स करेंगे। इसी वजह से आपको फीड्स को, कमेंट को, फेविकन वो होते हैं आपके लोगो होते हैं, मतलब आपके वेबसाइट का लोगो होते हैं बेसिकली। तो मैं आपको बोलूंगा इसको आप क्राउल करने के लिए मना मत करो, नहीं तो गूगल के ऊपर आपके ऐसे लोगो नहीं दिखाएंगे। तो इसको छोड़ दो, इस छोटे से बच्चे को, बेचारे को छोड़ दो ताकि उसको गूगल दिखाए एंड सर्च को आप लोग वहां से ब्लॉक करो। तो ऐसे करके आपके प्रॉब्लम लगभग सॉल्व
सॉल्व हो जाएंगे, हमने इनको ब्लॉक तो कर दिया लेकिन हमने आर्टिकल के अंदर अभी भी कोई अपडेट नहीं किया। तो ये सारे अपडेट करने के बाद आपको वैलिडेट एंड फिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक हफ्ता या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम लग सकते हैं एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। अब अगर आप लोग सोच रहे कि मैंने आपको जितना बता दिया इतना ही करने से आपके सारे क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स्ड वाला एरर जो है वो फिक्स हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान से समझ लीजिए, गूगल को आप ट्रिक से कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। गूगल बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो उसके इस पर आपको भी स्मार्ट होना पड़ेंगे। आपके पोस्ट के अंदर किस तरीके से लिखने से, किस तरीके से गूगल को, मतलब एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए सारा मसला है आपके ट्रस्ट यानी विश्वास जीतने का। चाहे वो गूगल के विश्वास जीतो या फिर आपके साइट के ऊपर जितने भी यूजर आ रहे हैं उनका विश्वास जीतो, आपको किसी भी तरीके से विश्वास दोनों तरफ से ही आपको बरकरार रखना है। अगर आपने विश्वास जीत लिए तो आपके साइट के ऊपर चार चांद लग जाएंगे। अब देखिए जिन चीजों के बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था लेकिन ये आपको पहले ही बता देना चाहिए था, वो ये है कि भाई ज्यादातर केस में मैंने देखा है आजकल के तारीख में लोग ये ज्यादा करते हैं कि भाई मूवीज रिव्यू के वेबसाइट बना लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग आपको आके वीडियो बना के रिव्यू कर देते हैं, मेरा वेबसाइट मूवीज रिलेटेड है और मेरे पास इतना ट्रैफिक है और मेरा एडसेंस अर्निंग देखो, तो आप लोग अर्निंग देखकर चौंक जाते हो और आप भी सोचने लगते हो कि भाई मैं भी मूवीज रिव्यू करूंगा और मेरा भी ऐसा इनकम हो जाएंगे। मैं बस मूवीज रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन के ऊपर लोग वेबसाइट बनाते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारा सीक्रेट्स है, रीजन है। देखिए ज्यादातर मूवीज के जो वेबसाइट होते हैं वो गूगल एडीएक्स की तरफ से चलते हैं एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली, ना वो लोग गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं लेते, बहुत ही कम केस में लेते हैं लेकिन एडीएक्स के ऊपर ज्यादातर मूवीज वेबसाइट चलाते हैं। अब आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एडीएक्स एक ऐसा कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जैसे कि अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे, वीडियो लंबा हो रहा है भाई तब भी बता रहा हूँ, वेरीफाइड गूगल एडीएक्स पार्टनर ऐसे करके अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने गूगल का खुद का एक वेबसाइट आएंगे जहां पर ये जो जितने भी कंपनीज है, देखिए यहाँ पर A&A, ADX, ADOP, ऐसे एट पुशअप, ये जितने भी कंपनीज है ये ADX का फादर अकाउंट है। ये फादर अकाउंट क्यों है, फादर मतलब पापा, ये हमसे बड़े है और हम अगर अप्रूवल लेना चाहे ADX के अंदर तो गूगल हमें अप्रूवल नहीं देंगे, हमें इनसे कॉन्टेक्ट करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक करके इनका ईमेल आईडी रहते हैं, फोन नंबर रहते हैं, इनके ऊपर हमें कॉन्टेक्ट करना है, हमारे साइट का जो पोर्टफोलियो है वो भेजने पड़ते हैं। उसके बाद ये लोग बताते हैं कि भाई हाँ आपके जो है साइट ADX के अंदर रन करने के लिए रेडी है। अब उस केस पर क्या होगा, ये देखिए मैं यहाँ पर एक को चूज कर रहा हूँ, इजोइक का नाम आपने सुना होंगे, इजोइक जो है वो फादर अकाउंट, मतलब ये ADX का फादर अकाउंट है, ये ADX में पापा है और आप ADX का चाइल्ड हो, ठीक है। तो चाइल्ड पापा के पास जाएगा, यहां से कांटेक्ट करेंगे कि भाई पापा मुझे ऐड चलाने की परमिशन दे दो ADX के अंदर। तो ADX क्या करेंगे, डायरेक्टली आपके साइट को रिव्यू करेंगे, आपके साइट एडसेंस को दिखाएंगे और एडसेंस का टीम आपके साइट को अगर वेरीफाई करके अप्रूव करते हैं तो उस केस पर ये आपको परमिशन देंगे ADX के अंदर आपके साइट अप्रूव करने की। अब देखो बीच में क्या होता है, बीच में बेसिकली आपके यहां पर देखिए आप, मैं आपको और भी अच्छे तरीके बता दो, भाई वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा ही नॉलेज आज ले जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा सबर करो, इस वीडियो में बहुत कुछ क्लियर होगा, मैं बताने लग गया हूं, मन में आ गया तो बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि इस टॉपिक को लेकर ना बहुत सारा लोगों का डाउट रहता है, भाई इतना इनकम लोग कैसे कर लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इतना इनकम कैसे होते हैं। तो यहां पे मैं आपको समझाने के लिए और भी अच्छे तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले आप मानो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये आप है, मतलब ये आपके वेबसाइट है और ये जो है यहां पर गूगल एडसेंस, अब गूगल एडसेंस यहां पर है और बीच में जो इजोइक है, इजोइक का मतलब हमने जैसे कि आपको बताया था, तो बीच में जो ये बंदा है ये इजोइक है, ठीक है, ये आप हो तो मैं आपको, मतलब मानो ये मैं हूं, ठीक है, ये आप नहीं हो, ये मैं हूं एंड यहां पे आपके जो है इजोइक है, ठीक है, इजोइक यहां पे बैठा हुआ है और आपके जो एडसेंस है वो यहां पर है। अब आपको समझना है, देखिए एडसेंस आपके साइट के ऊपर ना यहां से एड दे रहा है, बेसिकली आपके साइट के ऊपर एड चला रहा है और एडसेंस आपको इनकम दे रहा है, यहाँ पर इनकम दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये बीच में ना ये इजोइक बैठा हुआ है, इजोइक भाई साहब क्या कर रहे हैं, आपके इनकम के ऊपर ना ये नजर रख रहा है। तो उस केस पर क्या होगा, ये लगभग आपसे 10% लेते हैं, मतलब आप अगर $1,000 कमाते हो तो उस केस पर ये आपसे $100 कट लेते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इजोइक आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, एडसेंस आपको डायरेक्टली जैसे बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट करते हैं वैसे ही एडसेंस आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट करेंगे। पेमेंट के मामले में
में इजोइक आपसे कुछ नहीं कर सकते, 10% ऑटोमेटिकली एडसेंस जो है इजोइक को देंगे और जितने भी 90% है वो ऑटोमेटिकली आपके महीने में जैसे एडसेंस से पेमेंट आते हैं वैसे एडसेंस 90% आपको दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सीन है, ये सीन क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सीन ये है, मानो जैसे कि ये आप हो और ये इजोइक है और ये एडसेंस है, अगर आपने कोई भी चीज वायोलेट कर देते हैं, आपके साइट के ऊपर कोई उल्टा सीधा चीज आप लोग डाल देते हैं जो कि ठीक ठाक नहीं है, ऐसे चीज डाल देते हैं, तो उस केस पर क्या है, ये आप चाइल्ड हो मतलब बच्चे हो और ये डैडी है आपका, तो डैडी आपको किक कर सकते हैं, डैडी आपको किक कर सकते हैं, मतलब अपने जो परमिशन लिया था ADX का वो ADX के अंदर से आपको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज आप वायोलेट करते हो ना तो उस केस पर आपके ऊपर भी इफेक्ट आएंगे और आपके जो फादर है उनके ऊपर भी इफेक्ट आएंगे। एडसेंस भाई वहां पर गुस्सा करेंगे और एडसेंस बोलेंगे कि भाई आपने परमिशन दिया उस केस पर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे और आपके ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे एक सीन रह जाते हैं, अगर आपके ADX के अकाउंट चले जाते हैं तो आप दोबारा एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं, आपके एडसेंस अकाउंट नहीं जाते हैं। तो ये होते हैं ADX का मामला, बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया, डीप जाएंगे तो वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएंगे। हाँ, तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मूवीज की वेबसाइट बना लेते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड की वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे कि हमारे केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए हम एप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर एप्स प्रोवाइड डाउनलोड के लिए दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके लोग थर्ड पार्टी लिंक पे जा रहे हैं, तो ये गूगल की नजरे में ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जो ओनर है ये ABG मोबाइल कंपनी है, हम नहीं है। तो गूगल साफ साफ ये चीज मना करते हैं कि किसी के प्रोडक्ट को आप खुद के बताकर आप बांट नहीं सकते हो, चाहे आप वहां पे खुद के दावी नहीं कर रहे हो कि आपके खुद के प्रोडक्ट है, लेकिन वहां पे डाउनलोडिंग के लिए यूज के लिए आप नहीं दे सकते हो, आप जस्ट सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन कोई भी डाउनलोड लिंक या फिर मतलब ऐसे चीज बांट नहीं सकते हो। और गूगल इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, APK डाउनलोड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और सबसे ज्यादा तो मॉड लूट के ऊपर है, तो मॉड के ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला। अब देखिए मूवीज के वेबसाइट के ऊपर लोग जो अप्रूवल लेते हैं वो कुछ उस तरीके से लेते हैं, और दूसरी चीज ये होते हैं वो पहले ना फ्रेश कंटेंट लिखते हैं कोई अलग टॉपिक के ऊपर, एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद वो लोग अपने साइट के ऊपर मूवीज रिलेटेड पोस्ट पब्लिश करते हैं। हाँ, तो आपको ये सारी चीज नहीं करना चाहिए, जहां पर टाइटल कुछ और है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और बात चल रहा है कि भाई लोगों को मतलब सर्चेबल बनाने के लिए आपकी कीवर्ड कुछ और कीवर्ड आपने डाल दिया, लेकिन अंदर लेकर लोगों को बुलाकर कुछ और ही चीज वहां पे दिखा रहा हूं, ऐसी चीज करेंटली नॉट इंडेक्स इशू आएंगे और ऐसे चीज के ऊपर भी आएंगे जहां पर आप बता रहे हो कि भाई ये दवाई खाने से आप 24 घंटे के अंदर जाओगे, तो ऐसे टाइटल के अंदर ऐसे पोस्ट के अंदर भी आपको ऐसे इशू आते हैं, गूगल देखते हैं लेकिन उनको इंडेक्स नहीं करते हैं। तो लगभग मैंने आपको सारे चीज बता दिया, जितना भी यहां पर मेरे नॉलेज में आ रहा था सारे चीज मैंने आपको बता दिया, ये अगर आप फॉलो करते हो 100% आपका ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और इसका प्रूफ आपके सामने है भाई। यहां पर देखिए अगर आप देखोगे, हमने पिछले वीडियो पे बात किया था, ये प्रूफ जो है ये जीरो प्रॉब्लम है, सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम आप कहां पे देख पाओगे, कहां पे हम बताते हैं, PC ग्रैबर के जो ये चैनल है ब्लॉगर सर्च कंसोल एरर फिक्स, इसके अंदर 18 वीडियो है और भी वीडियो आने वाले हैं, यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए भाई इतना डीपली तो कोई नहीं बताता, मैं आपको जितना याद आ रहा था वो सारे के सारे बता दिया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है इसलिए माफी चाहता हूँ, और जितने भी चीज आगे आगे बताऊंगा मैं जितने भी सीखा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो सारे चीजें आपके साथ एज इट इज शेयर करूंगा, कोई भी चीज अंदर ही अंदर नहीं रखूंगा कि भाई ये सीक्रेट है ये लोगों को नहीं बताना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाई देखो हम यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर आज नहीं बता रहे तो कल कोई और यूट्यूब के ऊपर देगा वो चीज, तो इसी वजह से जितना भी चीज है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, इसी वजह से मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी सवाल है हमें कमेंट करके पूछिए, हम उस तौर पर जरूर कोई ना कोई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इसी ग्रेवर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक OTP, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसी चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे या फिर हमारे ईमेल पे मत डाला करिए।